हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अलापुर थाने में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक पीड़ित पिता को भारी पड़ा है, क्योंकि पीड़ित पिता को भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ दबंगई इंस्पेक्टर के सामने दिखा रहा है। पुलिस के सामने भाजपा नेता पीड़ित को हड़काते और गाली गलौज करता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल सीबी गुप्ता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं और थाने में खुद को राज्य मंत्री महेश गुप्ता का रिश्तेदार बताता है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच कर कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की न सुनते हुए उल्टा ही दबंगई करने वाले भाजपा नेता की तहरीर ले ली। बदायूं के अलापुर थाने में भाजपा युवा मोर्चा के नेता सीबी गुप्ता और उनके समर्थकों की दबंगई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक पीड़ित लड़की की छेड़खानी की शिकायत करने अलापुर थाने में गया था। उसकी लड़की को भाजपा नेता के लड़के ने छेड़खानी कर दी थी, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने गया था। थाने में पहुंचने के बाद थाना परिसर में पीड़िता को गाली गलौज करते हुए उससे अंजाम भुगतने तक की नसीहत दे डाली। वहीं थाने में तैनात इंस्पेक्टर भाजपा नेता को कुर्सी दे दी और गाली गलौज को छोड़ दिया। थाना लालपुर पर दो तीन दिन पूर्व बच्चों के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष थाने गए थे, वहीं पर उन्हें हॉट टॉक हो गई थी। इस हॉट टॉक के बाद दोनों पक्षों का वहीं थाने पर समझौता हो गया था और यदि वीडियो में कोई आपत्तिजनक बात है तो उस पर कार्रवाई करा दी जाएगी, जांच कर ली जाएगी। पुलिस ने पीड़ित की न सुनते हुए उल्टा शिकायत करने वाले पीड़ित के खिलाफ तहरीर ले ली। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस कैसे भाजपा नेता का समर्थन कर रही है। ये भाजपा नेता खुद को राज्य मंत्री महेश गुप्ता का रिश्तेदार बताता है। वहीं अब इस वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।